अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार भेजा फ्राई। तो इसलिए हम उतने उसके लिए अज्जा चाहिए। मैंने ये दही ली है, ये दो प्याज लिए हैं जिनको मैं चॉप कर लूँगी, और ये तीन अदर टमाटर लिए हैं जिनका मैंने छिलका उतार लिया है, मैं इनको भी चॉप कर लूँगी। और ये मैंने दो गाय के भेजे लिए हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं। ये पतीली ली है, इसमें मैंने ऑयल डाला है। ये मैं ऑयल डाल रही हूँ, तकरीबन अंदाजे से डाल लीजिएगा। वैसे तो मैंने तकरीबन ये दो या तीन डिश के चमचे लिए तेल के। और फिर मैंने यहाँ पे चॉप कर लिए प्याज, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। ये मैंने इसमें चॉप करे हुए प्याज जो मैंने आपको दिखाए थे स्टार्टिंग में, वो मैंने इसमें डाल दिए ऑयल में, ताकि थोड़े से कचरे हो जाएँ, ज़्यादा वो ना हो। और जो मैंने भेजा था, शायद मैंने आपको बताना भूल गई हूँ, उस भेजे का आपने ये करना है कि आपने जो है ना उसको हल्दी और लहसुन डाल के, लहसुन का पेस्ट डाल के और हल्दी डाल के ना उसको उबाल लेना। उसके बाद उसको अच्छे से साफ करना है और उसे साइड पे रख देना है, फिर पकाना है। ऐसे ही कच्चा बिना साफ किए उबाले उसमें डालिएगा, उसको उबालना है लहसुन और हल्दी डाल के। देखो हमारे प्याज इस तरीके से बनना शुरू हो रहे हैं। जब थोड़ा सा और हो जाए तो मैं इसमें मसाले ऐड करना स्टार्ट कर दूँगी। ये देखें, ये हमारा हमें लगा, मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी सूखे कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड करनी है मैंने। ये नमक हसब ज़रूरत है। अब इसमें मेरा ऐड करनी है कुटी हुई लाल मिर्च और ज़ीरा, सफेद जीरा ऐड कर दूँगी थोड़ा सा। ये मैंने ऐड करा सफ़ेद जीरा। मैं उस मसाले को भून लूँगी और मैं ये मसाले को भून लूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसमें मैं डालूँगी ये मैंने चॉप करे हुए टमाटर जो मैंने दिखाए थे इतने वो। अच्छा, अभी मैं आपको ना मज़ेदार सा रायता भी बताऊंगी जो मशहूर है, हर रेस्टोरेंट में मिलता है। आप जाते हो कढ़ाई खाने, नूरानी अल हबीब हो गया, या नॉर्मल भी, तो वहाँ पे जो रायता होता है नॉर्मली किसी कटोरी में 100-150 रुपए का मिलता है, तो वो रायता भी मैं अभी आपको बताऊंगी। वो भी उसकी भी वीडियो डालूंगी। और लाइक और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को प्लीज़ मत भूलिएगा। अब मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि इसमें टमाटर जो हैं उसमें मैं पानी डाल दूँगी ताकि ये टमाटर थोड़े हो जाएँ, तो फिर मैं इसमें भेजा ऐड करूँगी। ये देखें हमारी इस तरीके से ग्रेवी तैयार हो गई है। अब जो हमारे पास गाय का भेजा था वो हम ऐड कर रहे हैं इसमें। इसको इस तरीके से कूटेंगे। ये देखें ये हमारा इस तरीके से होने लगा। अब इसमें मैं दही ऐड करूँगी। ये मैंने थोड़ी सी इसमें हरी मिर्च ऐसी डाली है अभी ताकि ये इसके अंदर हो जाए, और ये थोड़ा सा अदरक। मैं थोड़ा सा बटर ऐड कर रही हूँ, लेकिन अभी इसमें घी ऊपर आना शुरू नहीं हुआ, तभी भी हम इसे भून लें। ये देखें ये हमारा रेडी हुआ है। अब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला मैं ऊपर से ऐड करूँगी और इसकी गार्निशिंग करूँगी। हरी धनिया, अदरक और हरी मिर्चों से इसमें अब मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा ऊपर से बटर। ये मैंने बटर ऐड कर दिया। तो मज़ेदार नूरानी का भेजा फ्राई तैयार। मज़ेदार भेजा फ्राइज के साथ रायता और सैलेड। इंजॉय करें, ट्राई करें, बनाएं और इंजॉय करें। मुझे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग निशात कुकिंग।